भारतीय जनता पार्टी के लिए आज तीन राज्यों में जिस तरह की खुशखबरी आई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों की जीत है। गरीबों के जीवन में जिस तरह का परिवर्तन आया है, आज जनता ने उस पर मुहर लगाने का काम किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, संगठन का समन्वय, आज इन सब के कारण से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, 2/3 मेजोरिटी आज मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। वहीं कांग्रेस लगातार बिखरी हुई, कांग्रेस जिस तरह से सनातन का अपमान करने का प्रयास कर रही थी, जातीय मजहबी नगमात छेड़ने का काम कर रही थी, आज ये उसकी पराजय है। उसे समझना होगा कि नकारात्मक मुद्दों से जनता प्रभावित नहीं होती है, जनता को विकास और सकारात्मक मुद्दे चाहिए, जनता को काम होते हुए देखना चाहिए, काम पर जनता मोहर लगाती है। ईवीएम का, देखिए कांग्रेस पार्टी तो ईवीएम का रोना हमेशा रोती रही है, जब जब वो परिणाम में हारती है तो वो ठीक रहा निर्जीव ईवीएम पर पड़ती है, क्योंकि ईवीएम अपना निर्जीव है, बचाव नहीं कर सकती है, इसलिए वो ईवीएम पर अपना ठीकरा पड़ने का प्रयास करते हैं।